तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताए हैं कि आप अपनी गैलरी के वीडियो को जीमेल आईडी में कैसे सेव कर रखें। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप अपने गैलरी के वीडियो को एक बार जीमेल में सेव कर रख लेते हैं तो आपका फ़ोन यदि रीसेट हो जाता है या चोरी हो जाता है या कहीं खो जाता है तो आपको अपनी प्राइवेट वीडियो को खोने का डर नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों, आपकी जो प्राइवेट वीडियो हैं, कुछ ऐसी वीडियो हैं जो आप फ़ोन में रखे रहते हैं और गलती से आपका फ़ोन कहीं खो जाता है, कोई चोरी हो जाता है तो आपकी वीडियो भी साथी के साथ चली जाती है और आपको अफसोस के सिवा और कुछ नहीं बचता है। तो समय रहते ही आप अपने इन सारे वीडियोस को यदि जीमेल में सेव कर रख लेते हैं तो आप जब चाहे अपने वीडियो को वहां से वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप नहीं जानते हैं कि किस तरीके से अपने वीडियो को जीमेल में सेव करके रखना है तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसका फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है, यह ट्रिक अपने फ़ोन में कर लीजिए और कभी भी आपका फ़ोन यदि मान लीजिए चोरी हो जाता है या रिसेट हो जाता है तो यहाँ से अपने वीडियो को वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बताते हैं आप लोगों को इसी जानकारी के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को यहां से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के बगल में घंटी का बटन है, इस घंटी के बटन को दबा के यहाँ पे ऑल के ऊपर में क्लिक कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन की गैलरी में चले जाना है। जाने के बाद में अपने उन वीडियोस पे आ जाना है जिस वीडियोस को आप रखना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी कोई 5-10 वीडियो ऐसे हैं जो बहुत ही प्राइवेट है, आप उनको रखना चाहते हैं या सारे वीडियो को रखना चाहते हैं तो सारे को भी रख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए आप एक दो वीडियो रखता हूँ, तो जिस वीडियो को रखना है उसको थोड़ी देर दबा के रखिएगा। जैसे ही दबा के रखिएगा तो उन वीडियो पर टिक लग जाएगा। उसके बाद में जिस वीडियो को आपको रखना है उन पर आपको टिक कर देना है। इस तरीके से आप टिक कर दीजिएगा, जिस वीडियो को टिक कीजिएगा वह वीडियो आपका जीमेल में सेव होने वाला है। तो मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक वीडियो को ही यहां पर मैं सेव करने वाला हूं, तो इस वीडियो पे मैंने टिक कर लिया है। उसके बाद में यहां पे सेंड का नीचे ऑप्शन दिखेगा, इस सेंड बटन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में आपको वीडियो आपको यहाँ पर दिखेगी। तो अब आपको क्या करना है कि नीचे की ओर इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपना जीमेल दिखाई देगा। यहाँ पर बस जीमेल पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही जीमेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपका जीमेल दिखाई देगा। आपके फ़ोन में यदि 2-3 जीमेल होंगे तो यहाँ पर एरो पर क्लिक कर आपको पहले उस जीमेल को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर्म में आपको जो जीमेल होगा उसको यदि 2 में डालना है, जैसे कि जो जीमेल आपको यहां दिखाई दे रहा है वही जीमेल आपको 2 में भी डालना है। तो सेम जीमेल जो ऊपर में लिखा है वही आपको यहां पर लिख देना है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, तो देख सकते हैं जो जीमेल ऊपर लिखा है वही जीमेल आपको यहां भी लिख देना है। और लिखने के बाद में ये जो एरो बटन है इस पर एक बार टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करेंगे तो देखेंगे कि ऊपर का जीमेल और नीचे का जीमेल दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद में यहां पे सब्जेक्ट का ऑप्शन है, इस सब्जेक्ट पर क्लिक कर अपने फाइल का एक नाम दे देना है। तो मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ माई वीडियो, आप अपने हिसाब से अपने फाइल का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि एक बार आपको क्या करना है कि ये जो ब्लू कलर का एरो का बटन है, सेंड का बटन है, इस सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सेंड करेंगे या थोड़ा सा मोबाइल को ऐसे ही सेंड करेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि आपके जीमेल पर एक मैसेज चला जाएगा। देख सकते हैं, अब मैं अपना जीमेल ओपन कर लेता हूं। अब मैं अपने जीमेल पे आता हूं, यहां पे जब क्लिक करेंगे तो आपके जीमेल पर एक मैसेज आ जाएगा, माई वीडियो नाम का एक फाइल आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, मैंने एक वीडियो यहां पर सेंड किया था तो एक वीडियो फॉर्मेट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। यदि आप 8-10 करेंगे तो 8-10 इस प्रकार का आपको फॉर्मेट दिखेगा। अब आपको इस वीडियो को यदि मान लीजिए डाउनलोड करना है, मान लीजिए आपका फ़ोन चोरी हो गया या खो गया, तो आप कैसे इन वीडियो को डाउनलोड करेंगे? मान लीजिए आपका इस फोन में यह सारी वीडियो है और जीमेल पे आपने रख दिया है या फोन चोरी हो जाता है तो जब आप कोई दूसरा नया फोन लेंगे तो उसमें जब इस जीमेल को आप डालकर लॉगिन करेंगे तो आपको भी क्या होगा कि माई वीडियो नाम से आपको फाइल मिलेगा। तो कहां मिलेगा यह भी
समझ लीजिए। इसके बाद में मैं इस एरो पे क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद में जब आप उस फोन में लॉगिन करेंगे तो इस 3 डॉट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेंड का ऑप्शन दिखता है। इस सेंड पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं माई वीडियो नाम से एक फाइल आपको मिल जाएगा। इससे पहले मैंने फोटो भी रखा था इसलिए फोटो का फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ पे माई वीडियो नाम से एक फाइल मिलेगा। इस फाइल पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सारी वीडियो यहाँ पर दिख जाएगी और जिस वीडियो को आपको डाउनलोड करना है इस एरो पे क्लिक कर उस वीडियो को आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए आप, मैंने उस वीडियो को डाउनलोड किया है, देखिए मेल आ गया यहाँ पर कि डाउनलोड कंप्लीट। अभी मैंने डाउनलोड किया तो यहाँ पे मेल आ गया कि डाउनलोड कंप्लीट, यह वीडियो हमारी गैलरी में ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी गैलरी के वीडियो को सारे को जीमेल में सेव कर रख सकते हैं। गलती से फोन चोरी भी हो जाएगा तो सारे वीडियो आपको वापस मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यही ट्रिक बता रहा था। वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।